आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 Plus Android मोबाइल फोन में अगर आपके WhatsApp की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके फोन में फाइल का ऐप है ना, इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड में ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा हुआ है ना, सिस्टम ऐप पे टैप करना है, ठीक है। अब देखिए आपको जो है ना इस वाले पेज में एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ना नीचे की साइड स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपका जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप को उंगली से दबा के रखना है। आपका एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें ऐप इन्फो पे टैप करना है। अब आपका ये व्हाट्सएप का ऐप इन्फो का पेज आता है, इसमें भी आपको स्टोरेज पे टैप करना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, ठीक है, तो कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अगला काम ये करना है मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। इसमें देखिए सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में व्हाट्सएप लिख के सर्च करना है, ठीक है। देखिए व्हाट्सएप के सामने अपडेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, अगर आपके फोन में भी व्हाट्सएप के सामने अपडेट लिखा हुआ अगर दिखाई देता है तो इसे अपडेट पे टैप करके व्हाट्सएप को अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए, ठीक है। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब देखिए इसके अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, सबका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन में जितना भी डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए तरीका आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।